दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11x33 के हाउस प्लान की। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मॉडल, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर कि मुझे 11x33 का एक मॉडल चाहिए। तो उन्हीं के कहने पर ये मॉडल डिजाइन किया। आप जैसा भी देख पा रहे हो, इसका फ्रंट व्यू है, मतलब अगर आप सामने से देखते हैं तो ये मकान आपको ऐसा दिखेगा। और बहुत ही कम जगह में बेहतरीन सा प्लान मैंने डिजाइन किया आपको पूरा। हम इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर डिस्कस करने वाले हैं। इस पर आपको लेटरिन, बाथरूम और मतलब फुल पूरा घर मिलता है विद स्टेयर्स के साथ। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। अगर आप बहुत सारे और भी मॉडल देखना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है स्मॉल हाउस प्लान। यहाँ पर आकर आप जैसे यहाँ पर कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। अगर 3D स्मॉल हाउस प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल्स घर मिल जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बाई नाउ का ऑप्शन लगा रखा है। अगर आप ये प्लान परचेज करना चाहते हैं, इस प्लान में आपको मिलेगा इसका 2D व्यू एंड 3D व्यू, सभी का इमेज मिलेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मात्र ये 99 रुपीज़ में आपको पूरा मॉडल मिल जाता है, जो कि 20x40 है। जो मैं मॉडल आज डिस्कस कर रहा हूँ 11x33, ये भी मॉडल आपको वहीं पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पेमेंट करके इसको बाई कर सकते हैं। आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसमें सारी इमेजेस होंगी आपको 2D एंड 3D, जो आप देखकर एक आइडिया ले सकते हैं कि मकान आपको कैसे डिजाइन करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा इसका डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, देखिए इसका ये ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी, तो ग्राउंड फ्लोर फ्रंट का जो अगर हम साइज की बात करें, फ्रंट का डोर की बात करें, तो ये आपको दिख रहा होगा। और ये आपको विंडोज दी हैं, ग्लासेस दिया, मतलब ग्लासेस लगे विंडो है जिसमें आपकी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। साइज मैंने पहले ही बताया था 11x33 में, 11x33 का मॉडल है। जैसे मेन गेट से आप एंट्री करते तो आपको एक गैलरी मिलती है अप्रॉक्स 4 फीट की, क्योंकि जगह बहुत ही कम। और ये आपको एक गेस्ट रूम भी यहीं पर मिल जाता है स्टार्टिंग में, जिसकी चौड़ाई तो लगभग 6.5 से 7 फीट है, लेकिन लंबाई आपका लगभग 10 फीट बन जाता है। और ये आपका यहाँ पर है किचन दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से आपको डोर मिलेगा इस गैलरी से ही। इस रूम के लिए डोर दिया है और किचन के लिए यहाँ पर डोर दिया है। और इस साइड में आपको मिल जाती है स्टेयर्स, जो कि आपकी एल साइज की स्टेयर्स है। पहला सामने जाएगा इसका ग्राउंड होकर फिर से वापस आएगा, और उसी के नीचे आपका लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड मैंने यहाँ पर डिजाइन किया, उसका गेट आप ये देख पा रहे होंगे। और लास्ट की बात करें तो आपको एक बेडरूम मिल जाता है, जिसका डोर आपको यहाँ से मिलता है, जिसका अगर इनका पूरा ओरिजिनल आपको साइज जाना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जैसे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। आप इस प्लान को बाई करके समझ सकते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं इसका डिटेल। तो ये अगर हम बात करें, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का स्पेसिफिकेशन था। और जो आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे, ये जो ग्रास लगी है ये फिलहाल एक्स्ट्रा एरिया है दोस्तों, ये 11x33 में शामिल नहीं है, सिर्फ मैंने डिजाइनिंग के लिए लगा दिया है। तो ये पूरा डिजाइन हो गया ग्राउंड फ्लोर का। अब अगर हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर आप देखेंगे तो फ्रंट से आपको ये फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखेगा। मैंने 2.5 फीट की अप्रॉक्स बालकनी निकाल दी है, जो कि आप देख पा रहे होगे ये। और ये आपका रेलिंग लगा हुआ है, और ये मेन डोर से आप इस रेलिंग में बाहर आ सकते हो। ये जो मैं नीचे बिल्कुल मॉडल था, सेम मॉडल मैंने यहाँ पर डिजाइन किया, वही आपका रूम है बेडरूम, वही आपका गेस्ट रूम एंड वही किचन और स्टेयर्स और लेटरिन एंड बाथरूम, सभी वही चीज़ मिल जाती है सेम टू सेम। तो ये पूरा मॉडल इसका फर्स्ट फ्लोर था 11x33 का। अगर हम इसके लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर में मैंने फिलहाल कुछ डिजाइन नहीं किया, सिर्फ आपका जो स्टेयर्स होती है उसको ढक दिया है, जिसमें बरसात में आपका पानी ना जाए। और जो आपका फ्रंट में गेस्ट रूम था वो बढ़ा दिया है, और ये आपका एरिया जो किचन वाला एरिया था वो और बढ़ के ये गेस्ट रूम में एडजस्ट हो जाता है, जिससे ये रूम आपका और बड़ा हो जाता है। तो ये पूरा मॉडल था जिसका साइज था 11x33, जो आपको फ्रंट से ऐसा दिखेगा। अगर साइड से आपके ज़्यादातर मकान ही बने होते तो ये चारों तरफ से 3 साइज क्लोज रहेगा एंड सिर्फ फ्रंट में आपका ओपन रहेगा। तो ये पूरा मॉडल 11x33 था जो हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर करें। और साथ साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे, जैसे स्मॉल हाउस प्लान कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, जो भी चाहे वो परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज प्राइस है। आपको ऑनलाइन इसकी जिप फाइल मिलेगी, जिसमें आपको 2D एंड 3D इमेज शामिल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।